नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आखिरकार ये वो दिन आ गया है जब हमारा लॉन्चर जो है, जो इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट का, वो अब शेप लेने लगा है। अभी दो दिन पहले ही मैंने आपको ये जो स्ट्रक्चर था, ये जो ऑरेंज कलर का, ये मैंने आपको यहाँ दिखाया था, ये यहाँ ज़मीन पर रखा हुआ था। और आज ही मुझे जानकारी मिली कि ये जो स्ट्रक्चर है इसको ऊपर चढ़ा दिया है, तो मैं आज फिर आपको दिखाने आया हूँ। तो दोस्तों कुछ ये इस तरह रहेगा लॉन्चर, और जो इससे जो है सेगमेंट लॉन्चिंग की जाएगी। दोस्तों ये जो आपको सेगमेंट दिख रहे हैं आगे, अब ऐसे ही सेगमेंट अब ये वाले पार्ट में भी लॉन्च किए जाएंगे, लेकिन दोनों में अंतर ये रहेगा कि वो जो पुराने सेगमेंट थे वो GSS यानी ग्राउंड सपोर्ट सिस्टम के आधार पे लॉन्च किए गए थे, और ये एक बाकायदा पूरा लॉन्चर जो गिल्डर होता है, तो लॉन्चर गिल्डर से ये पूरा अब ये लॉन्च होंगे सेगमेंट। और दोस्तों इससे जो काम की जो गति है वो ऐसा माना जा रहा है, ऐसा जो मेट्रो कंपनी के जो इंजीनियर्स का ये दावा है, इससे जो काम की जो गति है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। अब हम वैसे अधिकारियों ने कहा है कि 23-24 अप्रैल के आसपास जो है ये लॉन्चर पूरी तरह तैयार हो जाएगा, और हम इससे सेगमेंट लॉन्चिंग चालू करेंगे। तो दोस्तों मेरी भी कोशिश रहेगी कि मैं आपको आके जो सेगमेंट लॉन्चिंग का काम है लॉन्चर से, वो मैं आपको दिखाऊं। ये पहली बार हो रहा है दोस्तों इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट में कि लॉन्चर का उपयोग किया जा रहा है। मैंने आपको पहले बताया था कि वो जो पिछला पोर्शन था, जो इंदौर उज्जैन रेल लाइन्स के जो पास में जहाँ पे मेट्रो के पिलर वगैरह बने हैं, वहाँ पे ये लॉन्चर इसलिए नहीं ये तैयार किया गया, चूँकि वहाँ पे ब्रिज और जो पिलर के बीच में जो स्पेस है वो काफ़ी कम है, और वहाँ पे संभव नहीं था और ये इतने बड़े स्ट्रक्चर को वहाँ पे पूरा चढ़ाना। ये आप देख सकते हैं एक GSS जो है ये यहाँ लॉन्चर के लिए भी लगाया गया है, ये जो ब्लू कलर का जो आपको दिख रहा है जिसके पिछले हिस्से में। तो दोस्तों ये जो जानकारी थी मेट्रो को लेकर अपडेट, चूंकि आप लोग लगातार मांगते हैं, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।